हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक डलाई भरकर टमाटर है, एकदम पका हुआ लाल लाल टमाटर। आज मैं इसी टमाटर का बनाऊंगी मीठा चटनी, गुड़ वाली। तो ये टमाटर वजन में 2 किलो है। मैं इस टमाटर को धो करके डलाई में रख ली हूँ। चटनी बनाने के लिए अब मैं सबसे पहले टमाटर को छोटा छोटा टुकड़े में काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं टमाटर को पतले शेप में छोटा छोटा टुकड़े में काट के रख ली हूँ। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ गुड़। देखिए, छोटा छोटा टुकड़ा में मैं अभी तोड़ दी हूँ। आप चाहें तो चीनी के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन गुड़ के साथ टमाटर की चटनी बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये वजन में लगभग 3 पाव है गुड़। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं रख दी हूँ गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी बना सकती हैं, यहाँ तक कि आपको ज़्यादा पसंद है तो आप देसी घी में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 तेज़पत्ता, तेज़पत्ता हल्का सा लाल हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच पचफोरन, देखिए, और यहाँ देखिए साथ में लाल मिर्च। देखिए, पचफोरन, तेज़पत्ता और मिर्चा अच्छे से लाल हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर कटा हुआ। टमाटर को डाल के अच्छे से चला देना है। अब मैं इसको ढक देती हूँ, ढक के पकने देती हूँ। जब ये अच्छे से टमाटर गल जाएगा तब मैं इसमें गुड़ मिलाऊँगी। तो जब तक टमाटर गल रहा है तब तक मैं गरी काट के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं गरी डाल रही हूँ। आप चाहें तो किशमिश, लावा, चिरौंजी भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चों को किशमिश पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ गरी डालूँगी काट के। तो चलिए देखते हैं टमाटर गल गया कि नहीं। तो देखिए, टमाटर गल गया है। अब मैं इसमें मिला देती हूँ गुड़। गुड़ को डाल के अच्छे से चला देना है। और यहाँ पे देखिए, मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं गुड़ और नमक डाल के अच्छे से मिला दी हूँ। अब मैं इसको ढक करके 6-7 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाऊंगी। जब पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं, 7 से 8 मिनट हो गया है, देखते हैं चटनी बना कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, चटनी बन गया है। अभी इसमें ज़्यादा पानी लग रहा है, मैं पानी डाली तो नहीं हूँ। टमाटर का जो रस होता है वो भी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा पतला लग रहा है चटनी, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको तेज आंच पे पकाऊंगी। अब मैं इसमें मिला देती हूँ बारीक कटा हुआ गरी। अब मैं बिना ढके ही 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे पकाऊंगी। अब देखिए, मैं गैस को करूंगी बंद। चटनी अच्छे से बन गया है। जब ये चटनी जितना ही ठंडा होगा उतना गाढ़ा होते जाएगा, तो इसलिए अब मुझे इसको सूखा नहीं करना है। जितना गाढ़ा है इतना अच्छा है। ये जितना ही ठंडा होगा उतना गाढ़ा होते जाएगा चटनी, इसलिए अब मुझे इसको ज़्यादा सूखा नहीं करना है। जितना गाढ़ा है इतना बहुत सही है। आप इस चटनी को बना करके रख दीजिए, काफ़ी दिन तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाला है चटनी। आप इस चटनी को पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ भी आप इसको बहुत आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।